नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बयार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई और जेडीयू ने यह स्वीकार किया इस परिणाम के बाद कि चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की इसमें बड़ी भूमिका रही है। जेडीयू के कई नेताओं ने तो यह भी स्वीकार किया कि बीजेपी ने चिराग के कंधे पर बंदूक रखकर चलाया और चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी ने भी खेल किया, जेडीयू के साथ हराने में अपनी भूमिका निभाई। जेडीयू अगर छोटा भाई बिहार में बनकर रह गई और 43 सीटों पर सिमट गई तो बीजेपी की भी भूमिका है और चिराग पासवान की भूमिका तो सबसे बड़ी है ही। और कई बार जेडीयू ने अपने इस दर्द को बयां किया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने भी। तो एक बार फिर जेडीयू का यह दर्द बाहर आ रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी कहा कि हमारे साथ साजिश हुई। अब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा है कि चिराग पासवान के षड्यंत्रों की वजह से जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमट गई। जेडीयू की तरफ से आए इस बयान को लेकर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रतिक्रिया सामने आई है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक तरह से निशाना साधा है नीरज कुमार पर, पलटवार किया है। पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय, उन्होंने हमला किया है नीरज कुमार पर और ये कहा है कि दरअसल देर से ही सही आपको हमारी ताकत का एहसास हुआ, लेकिन हमारी ताकत को षड्यंत्र का नाम मत दीजिए। पूरा बयान डॉक्टर अजय का हम सुनाते हैं, क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय। सुनिए, नीतीश जी के मुख्य प्रवक्ता महोदय ने देर से सही बिहार के आवाम की ताकत और आवाम के बीच चिराग पासवान जी की पहुंच का उन्हें एहसास हो गया है। चिराग पासवान जी के संघर्ष को षड्यंत्र का नाम देकर आप फिर से बिहार के आवाम की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा दल आपका रिकॉर्ड तोड़ समय से मुख्यमंत्री पद आपके नेता और एक बिहारी युवा के हुंकार मात्र से आपके दल में खलबली मच गई, सीटों की संख्या 50 से नीचे आ गई। एक अकेले चिराग पासवान जी ने जनता के आशीर्वाद से आपके दल की बुनियाद हिला दी है। जनता के संघर्ष और जनता के मुद्दों को ताक पर रख के परिस्थितियों की राजनीति कर किसी भी तरह से कुर्सी पर काबिज होने का खेल जो जदयू खेलते आई है वो अब खत्म हो चुका है। जनता जाग चुकी है और 2020 विधानसभा चुनाव में जनता को, जदयू को जनता ने हाफ कर दिया था और अगले चुनाव में साफ करेगी।